सर ये हम 14 साल हो गए हमें करते हुए। ये 3 साल का पीछे कोविड था इसलिए बंद रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की कि आप ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं कर सकते। तो जब हमें परमिशन मिली गवर्नमेंट से हमने जागरण किया, आज भंडारा रखा है, 7 तारीख भंडारा है। कल यहाँ पे भव्य जागरण है हमारा, जो पंजाब से सिंगर आ रहे हैं सूफी हरजीत हीरा जलंधर वाले, और यहाँ के सोनाली डोगरा जो पंजाब वाइफ है, रवि कुमार रवि जो क्या मचेर वाले यात्रा वहाँ के आ रहे हैं, और नटराज ग्रुप, काफ़ी यहाँ पे मनोरंजन वाला जैसे महामारी का जागरण होगा और लोग काफ़ी यहाँ पे महामारी का गुणगान करेंगे। तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा सर यहाँ के प्रशासन, जैसे SDM हमारे, तहसीलदार, यहाँ पे SHO, DSP, SP काफ़ी उन्होंने सपोर्ट की कि कोई बात नहीं, आप करो, कोई आप आराम से करना, कोई अपना सोशल डिस्टेंस में रखें। खाने के आज कितने लोगों की व्यवस्था की है? सर आप देख लीजिए कितना भीड़ भड़का है, कम से कम भी हमारा 2-4 हज़ार बंदा आ ही जाता है खाने के लिए। जी जी, ये शाम तक चलेगा सर क्या? तो सर कल भी आए, थोड़ा आप भी आए क्या? सर आज यहाँ पर हो रहा है, पीछे कोविड के बीच में नहीं हुआ, आप खुद भी सेवा कर, कैसा उत्साह दिख रहा है? देखिए ये हमारा गांधीनगर का ग्रीन बेल्ट पार्क एरिया का मेट्रो स्टैंड यूनियन का बहुत ही बेहतरीन नौजवानों का एक स्थान है। ये आया इस बारी 14वां जो है जागरण, उसकी तैयारी हो रही है। कल रात को जागरण होना, बड़ा विशाल जागरण होता है, पूरा ही इलाका जो है वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। इनकी पूरी टीम नौजवानों की जो बेहतरीन काम करती है, और ये जागरण को एक दिन की तैयारी नहीं होती है, ये एक जागरण ख़त्म होगा तो अगले की तैयारी में लग जाते हैं। और सेवा भाव इनकी जो है, अनूप जी इनकी टीम जितने भी हैं बड़े बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, और ये मुझे लगता है कि हम सनातनियों का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अपने देवी देवताओं के प्रति, अपनी माता के प्रति जो हमारा निर्वाह है, जो हमारी जिम्मेवारी है, उसका बखूबी पालन करें। और आज देखो, आज इन लोगों ने अपनी यथाशक्ति से एक बेहतरीन यहाँ पे लंगर खोला हुआ है, और मैं देख रहा हूँ अमीर गरीब व्यापारी पढ़ने वाले बच्चे सब यहाँ पे लंगर खाने के लिए आ रहे हैं, और एक अपना योगदान भी दे रहे हैं। तो मैं उनको बधाई भी देता हूँ, अनूप जी को। ठीक है, कोविड के कारण 1-2 साल का बीच में गैप रहा, उसमें भी इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की सख्ती होती थी, ज़्यादा लोगों के इकट्ठे नहीं हो सकते थे, इस कारण नहीं हो पाया। और ये 14वां जागरण है, ईश्वर माता रानी इन पर अपनी असीम कृपा बना के रखे। ये स्टैंड के हर ऑटो वाला, इनका परिवार फले फूले, माता रानी का आशीर्वाद इन पर बने रहे, और ये हर साल इस तरीके से करते रहे। और हम लोगों का भी जो भी योगदान हो, तन मन धन से इनके साथ रहे, ताकि इस तरीके के जागरणों से जो जम्मू, हम शुरू से सदैव कहते रहे हैं कि मंदिरों का शहर है,
और मंदिरों का शहर है भी, ऐसे हम इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जागरणों से एक जागृति समाज के अंदर आती है, वो बनी रहनी चाहिए।